हम इस वक्त जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर पे हैं और ये मंदिर भेड़ाघाट पर स्थित है। आपको बता दें कि ये मंदिर पुरातत्व विभाग के पास संरक्षित है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण सन 1000 के आसपास कलचुरी वंश ने करवाया था। मंदिर में गौण रानी दुर्गावती के मंदिर की यात्रा से संबंधित ये शिलालेख है, जिसपे पूरा इतिहास वर्णित है। मान्यता है कि यहाँ एक सुरंग भी है जो 64 योगिनी मंदिर को गौण रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है। यह मंदिर एक विशाल परिसर में फैला हुआ है और इसके हर एक कोने में भव्यता झलकती है। 64 योगिनी मंदिर वृत्ताकार यानी गोल आकार का बना हुआ है और इस गोल आकार मंदिर के ठीक बीच में एक अद्भुत नकाशीदार गर्भगृह बना हुआ है, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की वृषभ यानी नंदी पर सवार एक मूर्ति है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा दुर्लभ है। यह श्रृंगार युक्त ऐसी प्रतिमा देश में और किसी जगह पर नहीं है। बताते हैं कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी का है। मंदिर त्रिभुजाकार 81 कोणों पर आधारित है, जिसके प्रत्येक कोण पर योगिनी की स्थापना की गई है। 12वीं शताब्दी में गुजरात की रानी गौसल देवी ने यहाँ गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था। तकरीबन 1000 साल पहले कलचुरी वंश में जब नुहला देवी विवाह के बाद यहाँ आई, तो उन्होंने युवराज देव के साथ शैव मत के लिए विशेष तौर पर गोलकी मठ का निर्माण करवाया। कालांतर में मुगल औरंगजेब ने गोलकी मठ के 64 योगिनी की प्रतिमाओं को भी खंडित कर दिया था, जिसके बाद ये केंद्र बंद हो गया। मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है कि दुर्वासा ऋषि ने यहाँ साधना की शुरुआत की थी। हालांकि इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं और किंवदंतियां भी हैं। कहते हैं कि जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय लिया। इस स्थान पर स्वर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को माता पार्वती के साथ देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस ना लौटे, तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहे। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि स्वर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, तो इस स्थान का कल्याण हो जाएगा। और इसी के चलते ऋषि स्वर्ण ने निर्णय लिया और नर्मदा नदी में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उसी पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना यह भी जाता है कि नर्मदा जी को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था, क्योंकि नर्मदा के तेज बहाव के कारण भक्तों को दर्शन प्राप्त करने में आने में परेशानी होती थी। मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भगवान शिव ने मां नर्मदा से मार्ग बदलने को कहा था। जब मां नर्मदा ने कहा कि इतने कठोर ऊंचे पर्वतों को मैं कैसे पार करूंगी, तो भगवान शिव ने अपनी कृपा से संगमरमर के उन कठोर चट्टानों को मक्खन की तरह मुलायम कर दिया, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई। और अब नर्मदा नदी भगवान शिव के मंदिर के पीछे से बहती है। तो ये है 64 योगिनी मंदिर की महिमा। लेकर आए यहाँ पे प्राचीन समय में महर्षि भृगु का आश्रम हुआ करता था जी। तो महर्षि भृगु की तपस्या से प्रसन्न होकर और भगवान महर्षि भृगु ने भगवान को यहाँ पे बुलाया, तो भगवान इस माता के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। ये 64 योगिनियों के साथ में माता पार्वती भोलेनाथ यहाँ पे आए हुए उनको दर्शन देने के लिए महर्षि भृगु। तो ये कैसे भगवान यहाँ से निकल रहे थे? यहाँ से निकल नहीं रहे थे, वो बुलाया गया था। बुलाया गया था। तो भगवान भोलेनाथ की शादी होने के बाद हिमालय में हुआ है, और शादी के बाद में जब विदा करा के लौटे हैं, उस समय माता जी को नंदी के ऊपर बैठा के ले गए, उस समय का यहाँ पे दृश्य है। पंडित जी, मूर्तियाँ कितने साल पुरानी हैं? मूर्तियाँ 2वीं शताब्दी से यहाँ पे इतिहास में है, तो लगभग 2000 साल पुरानी। जी जी जी।
अच्छा यहाँ कुछ मूर्तियाँ जो हैं बाहर प्रांगण में, बाहर जो प्रांगण में जो मूर्तियाँ हैं वो 64 योगिनी माताएं हैं। 64 मूर्ति योगिनी की हैं, हनुमान है, भैरव है, गणेश है, सप्तमातृका है, यक्षिणी है, ऐसे मिला के 84 मूर्तियाँ अराउंड में, और पूरे मंदिर में अंदर बाहर मिला के 95 मूर्तियाँ हैं। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ माई के 64 माई के सहचारी कहा, साथ में रहने वाली देवियाँ हैं जो हमें योग में विद्या में साधनाओं में साथ देती है, सृष्टि कल्याण के लिए सृष्टि का कार्य करती है। माता एक जगह बैठ के उनको आदेश देती है, सृष्टि का पूरा काम देखती है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मंदिर के प्राचीन ओम नमः शिवाय जी। तो पंडित जी ने हमको बताया कि महर्षि भृगु के कहने से भगवान भोलेनाथ माता के 64 योनि रूप के साथ यहाँ पर पधारे थे, और भगवान भोलेनाथ की बारात जो है हिमालय पे गई थी और माता पार्वती जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद जब वो विदाई करा के माँ को लेके आ रहे थे तब यहाँ पे ऋषि भृगु के साथ उन्होंने रुक कर उनके निवेदन पर यहाँ पर वो रुके थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।